मुंजी मोको पकड़ो, उनसे पकड़ते क्यों नहीं है? डरता क्यों है उनसे? उनसे डरता क्यों है प्रशासन? क्या उनकी क्या गुलामी करता है प्रशासन? प्रशासन इनकी गुलामी करता है। फायर करते हैं एक बताओ, फायरिंग को क्या बनाइए उनके पास? क्या पुलिस ने दे रखा है क्या फायरिंग का लाइसेंस? लोगों में गुस्सा उबाल मार रहा है। गुस्से से तमतमाए लोग पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीरें शाजापुर के मक्सी की है, जहां दो पक्षों के विवाद में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 8 लोग घायल हो गए। गुस्से से भड़के ये सभी लोग मृतक के परिजन हैं, जो मृतक का जनाजा नहीं निकाल रहे। ये लोग पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हमारा भाई आज हमारे साथ रहता, उसके बाद 24 तारीख को वहाँ गए हम शाजापुर, वहाँ के जो भी उन लोगों ने आवेदन ले लिया और उसके बाद भी उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। मतलब जंगल राज बना रखा है उन लोगों ने। हमारे तीसरे दिन आके उन्होंने वही हरकत करी, गोलियां चलाई, आज दो मर गए, कल फिर मरेगा कोई, ये मरे। 12 लोग घायल हैं बंदूक से, 12 लोग, छोटे बच्चों पर गोली चलाई है, 8-8 9-9 साल के। अरे हमारा सबर देख लो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे किसी। 8-8 9-9 साल के प्रशासन खाली घूम रहा है उनके लिए। अभी क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमारे भाई को वहाँ जमानत मिले और हम ये उठा के ले जाए और जो मुलजिम है उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तारी हो। और हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बाकी कानूनी लड़ी लड़ लेंगे, मगर हमको वो मुलजिम गिरफ्तारी चाहिए। अनर्थ कर रखा है उन लोगों ने यार, प्रशासन को कुछ भी नहीं दिख रहा। हमारा ये पटवारी दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा। इतना कर दो भाई वहाँ छूट जाए और हमारा भाई वहाँ पहुँच जाए, हम कुछ कर। दरअसल 2 दिन पहले मक्सी में मुस्लिम समाज के 2 युवकों के बीच विवाद हो गया, फिर उसमें राजनीति भी शुरू हो गई। विवाद के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। अब उसी शख्स को छुड़ाने और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए ये सभी लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल कल की घटना में जिस युवक की मौत हुई है, उसी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। काफी देर तक हंगामे के बाद भारी पुलिस फोर्स उन सभी लोगों को समझाने के लिए पहुंची। समझाइश के बाद परिजनों ने मृतक का जनाजा निकाला। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन शांत है। शाजापुर से मनोज पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।